सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर कक्षा एक हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पिछले वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का अभ्यास मछुआरा, एक कविता कर रहे थे जिसका शीर्षक था मछुआरा। इस कविता को हमने पढ़ा था, समझा था और उम्मीद है आपने इसे याद कर लिया होगा और अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख करके चित्र भी बना लिया होगा। तो बच्चों, आपको मैंने गृह कार्य दिया था जिसमें आपको कविता को लिखना था, याद करना था और उससे संबंधित जो चित्र आपकी किताब में दिया गया है उसे भी बनाना था। तो इस कविता को आपने याद कर लिया होगा। तो चलिए, एक बार फिर हम अपना अगला पाठ पढ़ने से पहले इस कविता को पढ़ करके समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, जो कविता है वो है मछुआरा। कविता है मछुआरा। म म छ पे छोटे की मात्रा मछुआरा। मछुआरा का मतलब मैंने आपको बताया था, वह जो मछलियां पकड़ता है या मछलियां मारता है। मछलियां पकड़ना कहते हैं या मछलियां मारना कहते हैं। ये मछली वह क्यों मारता है, यह उसका व्यवसाय है, उसकी रोजी रोटी है, इससे उसकी रोजी रोटी चलती है। तो यहाँ पे जो मछुआरा है वो उसका व्यवसाय है मछलियां पकड़ना और उसके बाद उसे बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उससे अपना घर चलाना। तो बच्चों, हर इंसान अपने रोजी रोटी के लिए या अपने खर्चों के लिए, अपना घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम करता है। तो इस पाठ में हमें में जीवन शैली के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बाद और हर व्यवसाय भी जानेंगे कि अलग अलग व्यवसाय, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई दुकानदार होता है, कोई आजकल तो इतने सारे अलग अलग तरह के कार्य हैं जो लोग करते हैं, उससे अपनी जीविका कमाते हैं। आजकल तो लोगों ने अपने शौक को, अपने टैलेंट को भी अपना रोजी रोटी का जरिया बना दिया है। अगर कोई अच्छा नाचता है तो डांस को अपना प्रोफेशन बनाता है, अपना डांस करके ही वो कमाता है। उसके बाद या फिर अगर कोई अच्छी फोटोग्राफी करता है, उसको फोटो अच्छी खींचने आती है तो वो उससे कमाई कर लेता है। तो अपने शौक से भी लोग को भी अपना अपना काम बना लेते हैं। तो इसी तरह से बच्चों, यहाँ पे जिसका जैसा काम होता है वैसा ही उसका की जीवन शैली भी होती है, मतलब लाइफस्टाइल भी होती है। तो यहाँ पे जो मछुआरा है, मछुआरे का काम है रोज मछलियां पकड़ना, उसे बाजार जाकर बेचना, इसलिए उसका जो उसकी जीवन शैली भी वैसी हो गई है। सुबह उठना, उठकर समुद्र के तट या सागर के तट पर जाना या सागर के किनारे जाना, तीरे जाना, वहां पे मछलियां पकड़ना, मछलियां पकड़ करके घर लाना, उसको फिर बाजार लेकर बेचना और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उससे उसकी जीविका चलती है, अपना घर चलाना। और इस कार्य में उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है। तो यहाँ पे पति पत्नी दोनों का काम होता है घर चलाना। तो यहाँ पे जो मछुआरा है उसकी पत्नी भी उसके साथ सागर तीरे जाती है और उसके बाद वह उसके साथ जाकर के मछलियाँ घर अपने टोकरी में रख करके लाती है। जो भी वो कर सकती है, जो भी योगदान कर सकती है इस कार्य में, वो अपना योगदान देती है और उसके बाद घर चले आते हैं। फिर उस मछली को बाजार लेकर के जाते हैं और उसे बेचकर जो भी पैसा मिलता है उसे वो अपना खर्च चलाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, आपने देखा कि ये जो कविता है कितनी सुंदर है, उसमें एक एक पंक्ति या जो चित्र पीछे दिया गया है उससे भी हम एकदम जीवंत सा लग रहा है। उसे देख करके हमें लग रहा है कि हम सही के मछुआरे को देख रहे हैं, समुद्र देख रहे हैं, उसे मछली मारते हुए देख रहे हैं और किस तरह से मछुआरे जो है मछलियों को अपनी टोकरी में रख करके लेकर के घर जा रही है। तो चलिए, एक बार इसे दोहरा लेते हैं और उसके बाद फिर हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे है मछुआरा। मछुआरा, बड़े सवेरे उठ मछुआरा, सागर तीरे आता है जाल डालकर गहरे पानी, मछली रोज फंसाता है धरे टोकरी सिर के ऊपर, सात मछेरिन आती है सोने चांदी की मछली रख, उसमें घर ले जाती है। तो यहाँ पे जो मछुआरा है उसका काम है कि सबसे पहले सुबह उठ करके मछली मारने समुद्र के तट पर जाना, सागर के किनारे जाना, वहां जाकर अपने बड़े से जाल को पानी में डालकर, गहरे पानी में, जहाँ गहरा पानी होता है वहां मछलियां भी ज्यादा फंस लेती हैं, इसलिए गहरे पानी में डाल करके मछलियों को फंसाना और उन मछलियों को मछेरिन अपने टोकरी में रखकर घर ले आती है। फिर मछुआरा घर जाता है, नाश्ता पानी करता होगा, फिर मछली को लेकर के पूरे दिन के लिए वो बाजार चला जाता है और तब तक बाजार में रहता है जब तक कि उसकी पूरी मछलियां बिक न जाए। तो कुछ मछलियां अपने लिए खाने पीने के लिए बचा सकता है, लेता होगा, या नहीं बिकी तो भी उसके लिए प्रयोग कर लेता होगा,
और बाकी मछलियों को बेच करके ही वो घर आता है। तो इस तरह से बच्चों आप सभी जानते हो कि जो हम काम करते हैं हमारी दिनचर्या भी उसी हिसाब से होती है। तो यहाँ पे भी मछुआरे की दिनचर्या मछली मारने से शुरू होती है और बाजार बेचने तक अंत भी वहीं से होती है। फिर रात में वो सोने आता है, उसके बाद फिर सुबह वही क्रियाकलाप उसका शुरू हो जाता है। तो आप इस कविता को एक बार फिर मैं आपको बता दे रही हूँ, आप इसे अपनी क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे, लिखकर ड्रॉइंग भी बनाएंगे जो भी बना हुआ है, जितनी आप बना सकते हैं जैसी बना सकते हैं, और उसको लिख करके याद भी करेंगे। और यहाँ पे कठिन शब्द में हमारे पास है बड़े, बड़े का मतलब बहुत, सवेरे यानी सुबह, मछुआरा मछली मारने वाला, सागर का मतलब होता है, सागर का मतलब समुद्र होता है, तीरे का मतलब किनारे, उसके बाद हमारे पास है टोकरी, मछेरिन, मछेरिन हम मछुआरे की पत्नी को मछेरिन कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे सोने चांदी सी मछली, मतलब यहाँ पे जो मछली मारता है मछुआरा, जिसे मछेरिन अपने टोकरी में रखकर घर ले जाती है, उसे यहाँ पे सोने चांदी के समान बनाया है, बताया गया है, क्योंकि मछुआरे की पूरी जिंदगी उसी से चलती है, उसका घर चलता है, पूरे खर्च उसी से चलता है, उसकी रोजी रोटी उसी से चलती है, इसलिए वो सोने चांदी से कम नहीं है, सोने चांदी जैसी उसे बताया गया, सोने चांदी जैसी कीमती है मछुआरे के लिए। तो बच्चों इसके साथ ये कविता हम यही समाप्त करते हैं, और आप मुझे उम्मीद आपने याद भी कर लिया होगा। चलिए हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे हमारा अगला अभ्यास जो है बूझो तो जानी। यहाँ पे हमारे पास अगला जो अभ्यास है वो है बूझो तो जानी। आप सभी एक दूसरे से पहेलियां पूछते होंगे और बूझने को कहते होंगे। तो हमारा जो अगला पाठ है उसका नाम है बूझो ब पे बड़े की मात्रा, झ पे बूझो, तो त पे ओ की मात्रा तो, जाने, ज पे आ की मात्रा जा, न पर ए की मात्रा ने, बूझो तो जाने। अब इसमें हमें कुछ पहेलियां दी गई हैं, इन पहेलियों को हम बूझेंगे और उसके बाद उसके बगल में जो चित्र दिए गए हैं उससे हम उनका मिलान करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहली जो यहाँ पहेली दी गई है बच्चों, इस पहेली के अंदर हमारे पास है अंदर से हूँ लाल लाल। पहली पहेली है अंदर, अंदर, अंदर से, स पे ए की मात्रा से, हूँ, ह पे बड़े की मात्रा चंद्रबिंदु, हूँ मैं, अंदर से हूँ मैं, अंदर से हूँ मैं लाल लाल, अंदर से हूँ लाल लाल, ल पे आ की मात्रा लाल लाल, अंदर से हूँ लाल लाल। उसके बाद दूसरी पंक्ति हमारी है ऊपर से हूँ हरा, ऊपर, ऊपर से हूँ, ह पे बड़े की मात्रा हूँ हरा, हरा हरा। उसके बाद अगली जो हमारी पंक्ति है वो है प्यास बुझाऊं इसकी उसकी, प्यास, प्यास बुझाऊं, ब झ पे आ की मात्रा उं, प्यास बुझाऊं इसकी, ई स की, इसकी उ स ग पर बड़ी की मात्रा की, प्यास बुझाऊं इसकी उसकी। आखिरी पंक्ति हमारे पास जो है वो है, आखिरी पंक्ति है मैं हूं रस से भरी, मां पे ए की मात्रा मैं हूं, ह पे बड़े की मात्रा चंद्रबिंदु, मैं हूं, मैं हूँ हरी भरी, मैं हूँ रस से भरी, सॉरी रस, रस से भरी, से भ र पे बड़ी की मात्रा री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें चार पंक्तियाँ दी गई हैं। सबसे पहले हम पहली पंक्ति को पढ़ेंगे। पहली पंक्ति में हमारे पास क्या है, अंदर से हूँ लाल लाल, मैं जो हूँ अंदर से लाल लाल हूँ। अंदर से बहुत सारी चीज़ें लाल लाल होती है, इसलिए हमें बहुत अच्छा अच्छे से नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी पंक्ति हम पढ़ेंगे ऊपर से हूँ हरा, तो वो कौन सी चीज़ है जो अंदर से लाल होती है ऊपर से हरी होती है। आगे पढ़ते हैं प्यास बुझाऊं इसकी उसकी। अब जब यहाँ प्यास बुझाने की बात आती है तो हम गर्मियों में आएंगे, क्योंकि गर्मियों में गर्मी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। तो यहाँ पे वह जो भी चीज़ है वो गर्मियों में पाई जाने वाली चीज़ है, क्योंकि वो प्यास बुझाती है। आखिरी लाइन से आपको पता चल सकता है कि वो रस से भरी है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो रस से भरी होती है और प्यास बुझाने के काम आती है। तो ये कुछ जो भी है वो गर्मियों से संबंधित है, तो गर्मियों में पाई जाने वाली चीज़ जो ऊपर से हरी है अंदर से लाल है, प्यास बुझाती है और ये रस से भरी होती है, तो हम
फल और सब्जियों के बारे में सोचेंगे जो भी गर्मियों में पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर गर्मियों के फल और सब्जी की बात करें बच्चों, तो हमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, आम, ये सारी चीज़ें हमें गर्मियों में मिलता है। आम भी कच्चे मिलते हैं, तो यहाँ पे रस से भरा आम हम नहीं सोच सकते। उसके बाद हमारे पास हो सकता है तरबूज, सबसे ज़्यादा इन सभी चीज़ों में रस भरा तरबूज होता है, गर्मी में मिलता है, प्यास बुझाता है, ऊपर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है। तो इस तरह से अगर हम एक एक करके सभी पंक्तियों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो भी यहाँ चीज़ दी गई है वो क्या हो सकती है, और उसके बाद पहली पंक्ति से नहीं समझ में आता हम दूसरी पे आते हैं, दूसरी से तीसरी, आखिरी तक तो हमें समझ में आ ही जाता है कि ये क्या है। तो यहाँ पे अंदर से हूँ लाल लाल, बिल्कुल तरबूज अंदर से लाल लाल होता है, ऊपर से हरा होता है, ऊपर से हूँ हरा, प्यास बुझाऊं इसकी उसकी, मैं सभी की प्यास बुझाता हूँ, उसके बाद मैं अंदर से रस भरा हूँ। प्यास जो भी बुझाएगा वो तो रस भरा ही होगा। तो गर्मी में मिलने वाले जो भी फल सब्जी होते हैं वो पानी उसमें ज़्यादा होता है और वो प्यास बुझाते हैं, हमारे हमारे शरीर को ठंडक देते हैं। और फिर उसके बाद वो दिखने में हम देखेंगे कपड़े हो नहीं सकता, वो सिर्फ हरी होती है, खीरा सिर्फ हरा होता है, खरबूजा भी लाल नहीं होता, तरबूज जो होता है वो अंदर से लाल होता है और ऊपर से हरा होता है। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे चित्र भी तरबूजे का बना हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे चित्र भी तरबूजे का बना हुआ है, इस तरह से चित्र भी तरबूजे का बना हुआ है। तो ये कुछ और नहीं है बल्कि तरबूजा है जो ऊपर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है और सबकी प्यास भी बुझाता है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि तरबूजा है। तो यहाँ पे हम तरबूजे के साथ इस के चित्र के साथ इसका मिलान करेंगे। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, अंदर से हूँ लाल लाल, ऊपर से हूँ भरा, प्यास बुझाऊं इसकी उसकी, मैं हूँ रस से भरा। तो आप इस पंक्ति को लिखेंगे और नीचे उत्तर में तरबूज लिखेंगे, आप नीचे उत्तर में तरबूज लिखेंगे और उसका चित्र बनाएंगे। फिर अगला हमारा है, अगला जो है उसमें हमारे पास दूसरी पहेली है। अब इस पहेली में हमें दिया गया है तीन अक्षर का मेरा नाम, ये है दूसरी पहेली। दूसरी पहेली में है तीन अक्षर का मेरा, म पे ए की मात्रा में, र पे आ की मात्रा रा, नाम, तीन अक्षर का मेरा नाम। दूसरी पंक्ति में है उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा, सी ध पे आ की मात्रा धा, एक 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 समान, उल्टा सीधा एक समान। उसके बाद हमारे पास है पानी में ही रहता हूँ, पानी प पे आ की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा, पानी में ही, ह पे बड़ी की मात्रा ही, रहता हूँ, ह पे बड़ी की मात्रा हूँ, पानी में ही रहता हूँ। उसके बाद अगली लाइन है नहीं, न ह पे बड़ी की मात्रा ही, नहीं रेल पर, पर चलता हूँ, नहीं रेल पर चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, पहली पंक्ति में दिया हुआ है कि तीन अक्षर का मेरा नाम, मेरा नाम जो है तीन अक्षर का है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसका नाम तीन अक्षर से होता है। उसके बाद उल्टा सीधा एक समान, ऐसी कई चीजें हैं जिनका उल्टा सीधा एक समान होता है। तो पहली दो पंक्ति से स्पष्ट नहीं है कि ये क्या है। अब तीसरी पंक्ति में पानी में ही रहता हूँ, मतलब वो ऐसी चीज है जो कि पानी में रहता है, उसका नाम आगे पीछे दोनों से एक समान है और उसके बाद तीन अक्षर का है। उसके बाद आखिरी पंक्ति जब हम पढ़ते हैं, नहीं रेल पर चलता हूँ, अब इससे हमें ये पता चलता है कि ये चलने वाली चीज़ है जो रेल पर नहीं चलती, यानी पटरी पर नहीं चलती है। ये ऐसी चीज़ है जो पटरी पर नहीं चलती, यानी कि रेल पर नहीं चलती। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई चलने वाली चीज़ है। अब पानी में ही रहता हूँ, यानी कि ये कहीं नहीं चलने वाली है, सिर्फ पानी में चलने वाली, क्योंकि रहती पानी में है तो पानी में चलेगी। उसके बाद और ऊपर आते हैं तो उल्टा सीधा एक समान, अब पानी में रहने वाली, पानी में चलने वाली एक चीज है जो है जहाज, जहाज, जहाज। अब ये जो जहाज है ये तीन अक्षर का है, जहाज, और पीछे से भी जहाज है और पढ़े तो जहाज होगा और आगे से भी पढ़े तो जहाज होगा, इसलिए यहाँ पे उत्तर जो है वो है जहाज,
तो हम यहाँ पे उत्तर जहाज लिखेंगे। तो दूसरा जो हमारा पहेली है, तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, पानी में ही रहता हूँ, नहीं रेल पर चलता हूँ। इसका उत्तर है जहाज। तो आप इसको लिखोगे और इसके नीचे उत्तर में जहाज लिखोगे। तो बच्चों बस आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, एक और पहेली मिली बची है उसे लिखेंगे और जानेंगे उसका उत्तर क्या है। तो चलिए आज के लिए बस इतना। इसे आप अपनी क्लास को कॉपी में लिख लीजिएगा, उत्तर भी लिख लीजिएगा। धन्यवाद।